हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, हम आपको आज यहाँ पर हिस्ट्री का यानी इतिहास इसका सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो मॉडल पेपर है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? मॉडल पेपर बता रहा हूँ। और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उम्मीद करता हूँ यही का ये जो मॉडल पेपर है ना, आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न आ जाए, तो आप ये मॉडल पेपर अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसके वैसे तो देखा जाए तो सभी के आंसर है वो आपको क्लास में मिल जाएंगे, सभी के आंसर है वो क्लास में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी है ना, आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं आपके मॉडल पेपर को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है उसको आप याद कर लीजिएगा, यानी एग्जाम से पहले ये दे कर लीजिएगा। और दूसरा देखो, ये मॉडल पेपर में क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आपका टर्म टेस्ट होने वाला है, तो ये मॉडल पेपर कहीं ना कहीं आपके काम करेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके मॉडल पेपर के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर हम वन टू वन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सेकंड सेमेस्टर के लिए इतिहास का जो मॉडल पेपर है वो आपके लिए है। और बात करें टाइम पीरियड, तो 550 से 1200 ईस्वी के बीच ये जो मॉडल पेपर है अपना, जो पैटर्न में सिलेबस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल 6 नंबर का ये जो पेपर है, 3 घंटे में आपको ये करना है। और देखिए, इसमें पेपर 2 भागों में होता है, एक तो खंड अ यानी क बोलते हैं हिंदी में, और एक होता है ख। तो देखो खंड, अब बात करते हैं अगर खंड क की, तो इसमें आपके टोटल 10 प्रश्न आते हैं, और प्रति प्रश्न 2 नंबर का, यानी आपका जो खंड क है वो आपका 20 नंबर का बन जाएगा। और कितने शब्दों में प्रति प्रश्न का उत्तर देना है? 30 शब्दों में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे खंड ब की बात करते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको प्रत्येक प्रश्न है वो 10 नंबर का होगा, और टोटल कितने प्रश्न करने हैं? 5 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यानी 10 × 5, प्रति प्रश्न 5 नंबर का, मतलब प्रति प्रश्न 10 नंबर का और 5 प्रश्न आएंगे, क्योंकि पर यूनिट से 1 प्रश्न करना है, तो 50 नंबर यहाँ से, 50 और 20 70 हो गए। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है ना, वो 500 शब्दों में ही देना है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए मॉडल पेपर में शानदार है, और ये जो मॉडल पेपर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला यहाँ पर मौखरी वंश के विषय में आप क्या समझते हैं, इसको संक्षिप्त में बताना है, इजी वे पे, बहुत ही सिंपल। देखो, मौखरी वंश के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी ये मौखरी वंश कब हुआ, किस समय हुआ और कौन प्रमुख राजा हुआ, बस ये 3 लाइनों में इसको उत्तर देना है, यानी कितने शब्दों में उत्तर देना है आपको? 30 शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रवर्ती गुप्त वंश के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में बताइए, बहुत फिट एंड इजी में आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कलसूरी वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी एक तो आपको इसका बताना समय कि भाई ये किस समय पर हुआ, इसके बाद ये वंश कहाँ पर हुआ यानी स्थान, और तीसरा यहाँ पर कि इस वंश के जो पराक्रमी एक शासक है उसका नाम बताना। तो मतलब 3 4 चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है और ये आपके हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर परमार वंश के विषय पर आप क्या जानते हैं और स्पष्ट बताइए इसके आंसर के रूप में, ये आपका इसी प्रकार का 2 नंबर का प्रश्न हो गया इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं कि पांडे कौन थे, प्रश्न है कि भाई पांड्य कौन थे, ये संक्षिप्त में बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से बात करते हैं नहीं, बादामी के चालुक्यों के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में बताइए। तो वापिस आप ध्यान रखिएगा कि इसके वंश के समय, टाइम पीरियड, स्थान के बारे में आपको बताना है। और यहाँ से ये छोटे छोटे जो 10 प्रश्न है खंड अ में, ध्यान रखिएगा एग्जाम में डेफिनेट इनमें से आएगा। फिर 550 से 1200 ईस्वी में भारत की पूर्वी और पश्चिमी एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों के विषय में आप क्या जानते हैं, वो शॉर्ट एंड ब्रीफ में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बंगाल का पाल वंश, इसके बारे में कब से कब तक हुआ, इस वंश का स्थान कौन सा विशेष बताई दिया है, लेकिन कौन है इस वंश का पराक्रमी सम्राट और कुछ उपलब्धियां हैं, तो शॉर्ट ब्रीफ में आपको 3 लाइन में उत्तर देना है। बात करते हैं संदेल वंश के बारे में, आपको संक्षेप में बताना है 30 शब्दों में। देखो यहाँ पर आपको लिमिट का ध्यान रखना है, जैसे 30 शब्द दिए हुए हैं तो जो प्रश्न पूछा है उसको 30 शब्दों में आपको समाप्त करना है। अगर यही प्रश्न है ना, यही प्रश्न अगर आपको 500 में लिखना होता, 500 शब्दों में, तब आप इसको बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। तो शब्द का ध्यान रखना है, प्रश्न अगर बड़े टाइप का पूछा भी है तो आपको शब्द का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर बात करते हैं सामंतवाद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामंतवाद याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखो बात करते हैं खंड ब, जिसमें आपको प्रति प्रश्न है वो 500 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। और हर प्रश्न जो होगा वो कितने अंक का होगा, 10 अंक का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो हर्षवर्धन की विजय एवं उपलब्धियों का विवेचन कीजिए, ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 100% इम्पोर्टेंट है। बस ये आप मान लीजिए, अभी से मैंने आपको कहा है 100% इम्पोर्टेंट है,
आपके एग्जाम के लिए आप पेपर देके आएंगे ना, तब देख लीजिएगा यही बात, आज की बात आपको उस समय याद आएगी। यानी ये पक्के 10 नंबर तो आज ही पक्के कर लीजिए, यस बिल्कुल पक्के कर लीजिए आज, ठीक है। फिर बात करते हैं पश्चिमी एशिया के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डालिए, यानी अथवा में आपको या तो ये करना है ये करना है। मैं चाहता हूँ आप ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, 10 नंबर आपके पक्के, ठीक है। और अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका सॉल्यूशन करवा दिए थे, तो आपके अभी दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो देखिए इसकी सभी क्लासेज आपकी अवेलेबल हैं, ठीक है ना, सभी क्लासेज वहां पर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी चाहते हैं कि इसका लाइव सॉल्यूशन हो, क्या चाहते हैं आप इसका लाइव सॉल्यूशन करवाना है, तो एक चीज करेंगे, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है ना, जहां जरूरत हो, जिसको जरूरत हो, क्योंकि अगर इस वीडियो पर ज्यादा रिस्पॉन्स आया तो इसका लाइव सॉल्यूशन भी आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट के अंतर्गत, तो गुजर प्रतिया राजवंश के इतिहास के संक्षेप में स्पष्ट करते हुए इनके प्रमुख शासकों के बारे में आपको बताना है, यूनिट 2 से ये प्रश्न। और अथवा में यूनिट 2 से जो रहेगा वो है राजा भोज की सैनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट आपकी थर्ड के अंतर्गत जो है, पल्लव वंश के इतिहास और शासकों के विषय में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट प्रश्न के तौर पे। अथवा में है चालुक्य कौन थे और पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ये भी प्रश्न है ना, इंपोर्टेंट है, 100% इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इकाई 4, राष्ट्रकूट राजवंश के इतिहास और प्रमुख शासकों के विषय में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। और 4 इंच अथवा में जो प्रश्न है आपके लिए वो है पाल वंश और उसके शासकों के विषय में आप क्या जानते हैं, पाल वंश के बारे में इसका संक्षेप में वर्णन करना है। इसी प्रकार से आपके 4 यूनिट के बाद 5 यूनिट है, इसमें आपके जो प्रश्न है ये प्रश्न 100% इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा में आपका लिख सकते हैं मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के शरण और प्रभाव, ये दोनों इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। वैसे एक और मॉडल पेपर आएगा आपकी, वो एग्जाम के टाइम आएगा, लेकिन ये तब तक याद कर लीजिए। अब देखिए आपको ये पीडीएफ जब मिलेगी ना, तो इस पीडीएफ में ही ये एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में आपको सभी के सभी आंसर लगभग मिल जाएंगे, ठीक है ना, देखो सभी प्रश्नों के उत्तर। और अगर आपको इसके नोट चाहिए तो आपको डाउनलोड करनी होगी क्लासीसेट ऐप, ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने अभी क्या कहा कि इसके आंसर मिल जाएंगे, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भी इसका लाइव सॉल्यूशन हो, क्या चाहते हैं, अगर लाइव सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो एक चीज आपको है, इस वीडियो को अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स दें, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जिनको जरूरत है, क्योंकि सबके पास ये वीडियो जाएगा तभी तो पता लगेगा ना कि भाई लाइव सॉल्यूशन देना है या नहीं। तो ये आप कर सकते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट सुपर डुपर क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।